कॉन्फिडेंस को बरकरार। और मैं बहुत अच्छे जानता हूँ तुम लोग हद पार डिमोटिवेट हो चुके होंगे, कुछ तो डेफिनेटली बहुत हो चुके होंगे, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, पांच अटेम्प्ट, दस अटेम्प्ट, सब कर लिया तो भी नहीं हो रहा। तूने एक चीज जो नहीं करी है ना, वो अपनी डबल से मेहनत। बहुत ठंडी लगेगी सुबह उठने में, बहुत ताकत लगेगी रात तक जगने में, पर मेरे भाई अभी ये चीज नहीं करी ना, तो ये सोच तेरे पास ऑप्शन क्या है, कितने दिन तक तेरे घर वाले तेरे साथ रहेंगे। आप में से बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं, तुम्हारे तो भी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, मेरे साथ तो वो भी गेम नहीं था। खुद करना पड़ता है हर चीज। तुम्हारे सामने एक लड़का दिखाया हूं मैंने, वो आदमी दिन के 3 जॉब करके 4 घंटे सो करके निकाला है। ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी लाइफ में। यहां खड़े रह करके ना 1 घंटा चिल्लाना पड़ता है, दवाई लेके लेक्चर लेना पड़ता है, तब जा करके वो बच्चे को समझ आता है। 4 बार चिल्लाना पड़ता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करनी पड़ती। ऐसे ही कोई काम नहीं होता, मेहनत से काम होता है। कोई चीज यहाँ पे फ्री नहीं है, दुआ भी फ्री में नहीं मिलती। 1 रुपए देते तो दुआ देता, दुआ भी फ्री में नहीं देती। और तुम ये सोच लो कि आज अगर ये नहीं किया या आज मेहनत नहीं करी, आगे क्या? और फर्क कहां पड़ेगा पता है मेरे भाई? फर्क पड़ेगा बस एक ही चीज में, व्हाट यू प्रेफर। यू प्रेफर अ फ्लाइट और यू प्रेफर है एसटी महामंडल। मैं ये नहीं कह रहा कि एसटी में घूमना एक गलत बात है, पर हर आदमी के एक ड्रीम होते हैं, हर आदमी के एक ड्रीम होते हैं। तुम सोचो तुमको क्या चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माइट बी दिन, माइट बी रात, पागलों के जैसे मेहनत करो। जितना टाइम मिल रहा टाइम से टाइम निकाल करके वर्क करो। तुम्हारे पास टाइम वैसे ही बहुत कम है। मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, फरवरी को तो काउंट ही मत करो। मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, स्टिल हो सकता है क्या? मैं कहता हूं हाँ हो सकता है। तू चालू तो कर, तू यही सोचने में टाइम वेस्ट कर देता, हो सकता क्या? अबे चालू तो कर, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले चालू तो कर मेरे भाई किसी चीज को। ऐसे नहीं होता है वर्कआउट। माइंड भी ऐसा लगेगा दोपहर में नींद आ रही, सोना है, ये है वो है, सब कुछ करते हुए करना पड़ेगा। हमारे को भी लगता, हमारे को भी लगता, चले यार आज लेक्चर नहीं लेते, बच्चे भी खुश अपन भी खुश, पर काम ऐसे नहीं होता। हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होती। वर्क मोर एंड मोर हार्डर दिस टाइम। इस बार तुमको थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ेगा। अमेंडमेंट तो ज्यादा है ही है, पर इस बार ना तुम्हें बदले की लड़ाई लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी, थोड़ा सा बदला वाला लड़ाई लेना पड़ेगा। दोस्त अगर तुम्हारा, सी कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्त दुनियादारी में मरे, लिटरल सेंस में दोस्त दुनियादारी में ज्यादा मरे। दोस्त की हेल्प करना था, उसकी हेल्प करना था, वो तो पहुंच गई फाइनल में। तुम्हारा देखो दोस्त दुनियादारी, अबे सब कुछ छोड़, तेरा दोस्त होगा ना वो सीरियस, अगर सच में तेरा दोस्त होगा ना वो बात को समझ लेगा, और नहीं होगा तो तुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। तुझे सच में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगले 2 महीने ना अपने आप को पूरा इनविजिबल कर दो। दोस्त दिख रहा है, भाई मेरे को पढ़ने जाए, लाइब्रेरी में एकदम कोने में जाके बैठ, कोई भी चीज जो तेरा टाइम पास कर रही होगी उसको छोड़ना पड़ेगा, एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मोबाइल मत यूज करो, ये मत यूज करो, बेवकूफ बातें, मैं बिलीव ही नहीं करता इस बात पे। सब रखो, साइलेंट कर देंगे, बंद कर देंगे, मम्मी पापा को क्लियर कट बोले, सी मम्मी पापा से ऊपर तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ सकता, तुम इतने इंपॉर्टेंट अभी तक हुए नहीं, क्योंकि जब तुम पैसे ही नहीं कमा रहे हो तो तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, सीधा बात। तो बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बार बार ये करना, तुमको कुछ नहीं आ सकता। सामने वाले को भी अगर, सी मैं खुद लव अफेयर में रहा हूं तो मैं तुमको खुली बात बोलता हूं, सामने वाले को भी एक टाइम कम्युनिकेट करके रख दो। सच में तुमसे प्यार करता होगा ना, समझेगा इस बात को, एक टाइम कम्युनिकेट करके रख देने का, इस टाइम से इस टाइम तेरा टाइम, इस टाइम से इस टाइम फैमिली टाइम, पूरे फैमिली वाले के फैमिली ग्रुप पे मैसेज करने का, मेरे को कॉल या मैसेज करने का इस टाइम पे करने का, बाकी मेरा फोन बंद बोल के रख दो, फोन बंद नहीं करने का बोल के रख देने का, क्लियर कट मैसेज। और तब तक अपने आप को बख्शना मत, तुम मरोगे नहीं ये बात श्योर है। मैं खुद भी बोलता हूँ ना, लेक्चर लेते वक्त मैं मरूंगा नहीं टेंशन मत लेना, अपने आप को बख्शो ही मत किसी भी चीज़ में। अगले 60 दिन तुम्हारे पास है ये समझ के चल लो। और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, फरवरी में 29 डेज है, एक दिन वहां का भी मिल रहा है। एक दिन भी यूटिलाइज करना मत छोड़ो, जितनी शॉर्ट हो सकती चीजें उतनी शॉर्ट कर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस जिधर से हो रही उधर से कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिधर से हो रही उधर कर। पर तेरे को इस बार करनी है, प्लान बना, टेस्ट पेपर दे, टेस्ट सीरीज दे,
बार बार लिख, थियरी लिख, सबसे ज्यादा जिनको थियरी में प्रॉब्लम है थियरी लिख लिख लिख, तेरे को समझ में आएगा तूने लिखा क्या और हो क्या रहा है। बेटी